ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. मेरे दोस्तों, आज जो है हम लोग इंशाल्लाह आखिरत की बात करेंगे। दुनिया की बातें तो वो दिनों से कर ही रहे थे, सुनते भी हैं, आखिरत की बातें भी कुछ देर हो जानी चाहिए। हदीस में आता है हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हल नरा रब्बना, क्या हम अपने परवरदिगार को देखेंगे? क्योंकि इंसान को अपने दोस्त और अपने महबूब से मिलने की ख्वाहिश होती है। सहाबा इकराम को अल्लाह से कितनी मोहब्बत थी उसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते हैं। तो एक दिन वो पूछने लगे, या रसूल, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, या रसूल अल्लाह, हल नरा रब्बाना, क्या हम अपने परवरदिगार को देखेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ देखेंगे। एक आदमी बैठे हुए थे, वो बोले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह एक है और हम इतने आदमी हैं, इतने आदमी एक अल्लाह को कैसे देखेंगे? सवाल बहुत ठीक था कि अल्लाह एक है और हम इतने हैं, इतने आदमी जो है कैसे देखेंगे? हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल तुदारून फी रुयतिल कमर लैलतल बदर, चौदहवीं रात का चांद हो, आसमान में बादल ना हो, तो तुम उसको देखने के लिए क्या एक दूसरे को जो है कुछ तकलीफ देते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, नहीं, सब लोग आसानी से देख लेते हैं। अच्छा, दिन के 12 दिन का वक्त हो, पूरा निस्फ नहार हो, आधा दिन हो, और उसमें आसमान पर बादल ना हो, तो उस वक्त में सूरज को देखने में कोई तकलीफ होती है? तो कहा कि नहीं। कहा, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, इसी तरीके से तुम अपने परवरदिगार को जो है कयामत के दिन देखोगे। लेकिन याद रखो, वो आदमी जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाता है वो अल्लाह को कयामत के दिन नहीं देखेगा। वुजूहुन यौमैज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, वुजूहुन, चेहरे, यौमैज़िन, उस दिन, नाज़िरा, तरोताज़ा होंगे, वुजूहुन, और कुछ चेहरे होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने उस अपने परवरदिगार को देखने वाले होंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू आमन वालों के इंतजार के अंदर पूरी उम्मत खड़ी हुई होगी, आदम अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक के जितने आदमी हैं, तमाम के तमाम लोग जो है कयामत के मैदान में होंगे। तमाम इंसान होंगे, मर्द होंगे, औरतें होंगी, जिन्नात होंगे, और जितने कीड़े मकोड़े हैं, जितने सांप हैं, जितने जानवर हैं, ये तमाम जानवर जो है वहां कयामत के मैदान में के अंदर खड़े हुए होंगे। अब इस हालत के अंदर ऐसा होगा कि जो है लोग परेशान हो गए कि या अल्लाह, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सूरज जो है इंसान से एक मील, इंसान के सर के एक मील करीब आ जाएगा। हदीस में आता है, अल कौकबुल वहाज के अंदर लिखा है,
अब सूरज के अंदर जितनी गर्मी है उससे 10 साल की ज्यादा गर्मी उसके अंदर डाल दी जाएगी और आदमी परेशान होगा, आदमी परेशान होगा। उसके बाद में जब ये परेशानी का हाल होगा, इस परेशानी के बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत मूसा, हजरत ईसा, फिर आखिर में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आकर लोग कहेंगे या रसूल अल्लाह आप हमको से अल्लाह के यहां सिफारिश कीजिए। अब जो है क्या होगा, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान में होंगे, अब इंतजार होगा कि अल्लाह जल्ल जलालहू आए। वजा रब्बुका वल मलक सफन सफा, वजा और आएगा रब्बुका तेरा परवरदिगार, वल मलक और फरिश्ते आएंगे सफन सफा एक एक सफ करके, पूरी जमीन फैली हुई होगी। इस वक्त में देखेंगे कि पूरे इंसान जो है निगाहों को आसमान पर उठाएंगे, अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतरेंगे, पहले आसमान के जो फरिश्ते हैं ये पूरे उतर जाएंगे। ये पूरे उतरने के बाद जितने उस वक्त में इंसान होंगे, जितने जिन्नात होंगे, उनसे डबल, कितने डबल, अगर मसलन 100 करोड़ तो नहीं, 1000 करोड़ रहेंगे मेरे ख्याल में, 1000 करोड़ इंसान है, 1000 करोड़ जो जिन्नात है, तो फरिश्ते जो उतरेंगे आसमान से वो 4000 करोड़ फरिश्ते उतरेंगे। और वो फरिश्ते उतरते ही ऐसा हो जाएगा कि पूरा हशर का मैदान रोशन हो जाएगा, सब कहेंगे कि अल्लाह जल्ल जलालहू आ गया, अल्लाह जल्ल जलालहू आ गया, अल्लाह आ गया, अल्लाह आ गया, अल्लाह आ गया, अल्लाह आ गया। तो फिर पूछेंगे क्या अल्लाह आ गया, तो जवाब देंगे नहीं, अल्लाह मियां नहीं आया है, अल्लाह मियां क्या नहीं आया, नहीं आया। अब फिर जमीन कैसे रोशन हो गई, ये तमाम कैसे रोशन हो गए, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं ये नूर से बने हुए हैं, उनके नूर से जो है पूरे जो महशर का मैदान जो है क्या हो जाएगा, चमक उठेगा। उसके बाद में अब फिर इंतजार रहेगा कि अब जो है अब इंतजार, एक रिवायत में आता है 1000 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा, कितने साल, 1000 साल, फिर 1000 साल के बाद में जो है अब फिर फरिश्तों की एक और जमात उतरेगी, जमात उतरेगी। अब जब वो फरिश्त, ये जितने 4000 करोड़ थे, वो 4000 करोड़ थे, अब जो उतरेंगे 8000 करोड़ जो है वो फरिश्ते, जितने फरिश्ते पहले थे, जितने इंसान थे, उससे डबल फरिश्ते अब उतरेंगे। अब उतरने के बाद में अब उससे और ज्यादा रोशनी हो जाएगी, सब लोग कहेंगे अल्लाह मियां आ गए, अल्लाह मियां आ गए, अल्लाह मियां आ गए, अल्लाह मियां आ गए। जवाब दिया जाएगा नहीं, अल्लाह मियां नहीं आए, क्या नहीं है, अल्लाह मियां नहीं आए। फिर इंतजार करते रहेंगे, फिर जो है अच्छा इस बीच में क्या होगा, सबातुन युजिल्लुहुमुल्लाहु फी जिल्लिही यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु, 7 किस्म की जमातें ऐसी होंगी जिनको अल्लाह जल्ल जलालहू अमनवालहू अर्श का साया देंगे, उसमें से एक आदमी होगा वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहू रवाहुल बुखारी, वो आदमी जो तन्हा बैठकर अल्लाह 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 बोल रहा था, उसकी आंखों से पानी जारी रहता, अल्लाह बोलेंगे आज तू मेरे अर्श के नीचे आ जा, मेरे अर्श के साए के नीचे आ जा। एक नहीं, जितने भी ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे उन तमाम को अर्श के नीचे के साए के नीचे वो चले जाएंगे। अब उसके बाद में दूसरे आसमान के फरिश्ते उठेंगे, तीसरे आसमान के फरिश्ते, चौथे आसमान के फरिश्ते, पांचवें आसमान के फरिश्ते, छठे आसमान के फरिश्ते, सातवें आसमान के फरिश्ते, इतने बेइंतहा फरिश्ते उतर जाएंगे। जब सब ये उतर जाएंगे उसके बाद में सब लोग इंतजार करेंगे, अब अल्लाह जो उतरेंगे, अब अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू का जो उतरेंगे अल्लाह के अर्श को, उस वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया, वयहमिलु उठाएगा अर्श रब्बिक तेरे रब के अर्श को, फौकहुम अपने ऊपर, यौमइज़िन उस दिन, समानियतुन 8 फरिश्ते उठाए हुए हो। जो सोचते हैं हाई साहब एक फरिश्ता का तो मेरे से अबुल कलाम हजरत के साथ मोटा मोटा रंगा उठा लेगा, नहीं 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 नहीं, एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसके पांव 7वीं जमीन के नीचे होगा
और उसका उसका जो है कंधा जो होगा सातवें आसमान पर होगा, इतना बड़ा वो फरिश्ता होगा। आठ फरिश्ते से अल्लाह को लेकर आए। बस अल्लाह की मोहब्बत उस वक्त में दिलों के अंदर इतनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी कि कुछ मत पूछो। हर इंसान ये कहेगा कि अल्लाह जल जलालहू व मनवालहू एक मर्तबा हमको देख ले। अब ये जो काफिर हैं इन्हें भी कहेंगे अल्लाह हमको दोजख में डाल दे, लेकिन कम से कम एक मर्तबा देख ले। वला यंजुरु हुदुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन उन काफिरों को नहीं देखेंगे, उनको जबरदस्त अज़ाब होगा। उसके बाद उतर जाएंगे, उतरने के बाद में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास में पहले ही इंसान आ गए थे, अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे। जाने के बाद में अल्लाह के अर्श के सामने सजदे में गिर जाएंगे। जब सजदे में गिर जाएंगे मिन जुमअतिन इला जुमअतिन, सजदे में हमें क्या सजदे में रहते बिल्कुल जाते सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला बिल्कुल जाते नहीं। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन जुमअतिन इला जुमअतिन, एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक जितना वक्त होता है इतना वक्त में इतना वक्त हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहेंगे। सजदे में रहने के बाद में अल्लाह जल जलाल हुआ मनवालु की तारीफ करेंगे। हजरत अल्लाह जल जलाल हुआ मनवालु जिब्रील अलैहिस्सलाम को बोलेंगे जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुंडे पकड़ेंगे और कहेंगे या मोहम्मद इरफा रासक सलत उठा वशफा तुशफा, ऐ मोहम्मद आप अपना सर उठाइए वशफा सिफारिश कीजिए, तुशफा आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी, सल तुता आप मांगिए आपको दिया जाएगा। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठेंगे, उठने के बाद फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करेंगे। तारीफ करने के बाद में फिर अल्लाह जल जलालहू व मनवालहू से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे या अल्लाह ये आपकी मखलूक है परेशान है इनका हिसाब किताब ले लीजिए। अल्लाह जल जलालहू व मनवालहू उनका सबका हिसाब ले लेगा। हिसाब किताब का हिस्सा भी लंबा है, मैं आगे चल रहा हूँ। उसके बाद में जन्नत में जाने वाले जन्नत में चले जाएंगे, जिनका दोजख में फैसला हुआ उनको दोजख में चले जाएंगे। तिर्मिजी शरीफ की रिवायत में है कि जब दोजख वाले दोजख में चले जाएंगे दो आदमी ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा चीखेंगे दोजख में या अल्लाह हमको निकाल दे या अल्लाह हमको निकाल दे या अल्लाह हमको निकाल दे। जब इनकी चीख बहुत ज्यादा हो जाएगी फौरन अल्लाह जल जलालहू व मनवालहू बोलेंगे हे फिर डालक है क्यों इतना चीख रहा है, इसे पूछेगा कौन पूछेगा अल्लाह जल जलालहू या अल्लाह मैं इसलिए चीख रहा हूँ कि ताकि आप उनको रहम फरमा दे। क्या फरमा दे? रहम फरमा दे, निकाल दो इनको। क्या बोल दो? निकाल दो, इनको निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद में उनको सामने लाकर लेकर ले जाएगा, दुनिया में क्या क्या करता रहा तू, अल्लाह ये किया ये किया ये किया ये चाहिए क्या जा दोनों दोजख में चले जाओ, दोनों क्या चले जाओ दोजख में चले जाओ। उसमें से एक आदमी जो है फुल स्पीड जाकर दोजख में जाकर कूद जाएगा। हदीस में आता है फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो जाकर दोजख में जाकर गिर जाएगा वो दोजख जो है सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम पर जैसे आग ठंडी हो गई थी उस आदमी के लिए पर जो है वो क्या हो जाएगी आग ठंडी हो जाएगी। दूसरा आदमी जो था वो जाएगा थोड़ी दूर, जाने के बाद खड़ा हो जाएगा यूं फिर कर अल्लाह को देखेगा, फिर थोड़ी दूर चला जाएगा फिर यूं फिर कर अल्लाह को देखेगा, फिर थोड़ी दूर जाएगा फिर यूं फिर कर देखेगा। वो बुलाएगा अल्लाह बुलाएगा, बुलाने के बाद क्यों किर है चुप चुप देखता, यहाँ की जबान में बेंगलुरु की जबान में बार बार क्यों देख रहे हो या अल्लाह मुझे ये उम्मीद थी कि जब आपने मुझे मुझको दोजख से निकाल दिया फिर आप मुझको दोजख में नहीं भेजेंगे, अब जो है आप फिर मुझे दोजख में भेज रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया, आप मुझको बुला रहे हो मैं देखे बगैर जा रहा हूँ, इसलिए मैं जो बार बार आपको पलट कर देख रहा हूँ। अल्लाह जल जलाल हुआ मना वाले को आ जा चल जा चल जन्नत में चला जा, उस वो जो अंदर चला गया था उसको भी बोलेंगे जा तू भी अंदर जन्नत के अंदर चला जा। उसके बाद लोग सिफारिश करेंगे ये करेंगे, लंबी हदीस है, अखीर में एक आदमी होगा उन्हें दोजख में ही पड़ा रहेगा,
दोजख में क्या करेगा, पड़ा रहेगा। उसके बाद में अल्लाह को रहम आ जाएगा उस पर, इसको भी निकाल दो कमबख्त को, इस कमबख्त को भी क्या कर दो, निकाल दो दोजख से। तो अल्लाह देखेगा, या अल्लाह क्या भी नहीं, अल्लाह छोटा एक रिक्वेस्ट, छोटी एक दरख्वास्त है, या अल्लाह इस दोजख से आप मुझको निकाल दें, बस इसके अलावा कुछ नहीं, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। सच बोलता है क्या? सच है अल्लाह, पक्का वादा है क्या? बिल्कुल पक्का है अल्लाह, झूठ नहीं बोलेगा, नहीं झूठ बोलूंगा, वादा खिलाफ नहीं करेगा, नहीं खिलाफ बोलूंगा। अल्लाह बोलेंगे फरिश्तों को, निकाल दो इसको, निकाल देगा, निकल कर बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद अल्लाह कितना अच्छा किया मैं, कितना अच्छा आपने काम किया बोलकर, लेकिन इसका जो चेहरा होगा वो दोजख की तरफ होगा। इसकी तरफ होगा, दोजख की तरफ होगा, दोजख की गर्मी जो है इसकी उसके मुंह पर हाथ कर पड़ती रहेगी। वो देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा, फिर देखेगा लगभग अच्छा फिर जाएंगे, हैं फिर नहीं सकते वहाँ। अब जैसे अर्थ होता है, कोई गंदी चीज़ें हमारी सामने पड़ी हुई हों तो आदमी देखने से जो है नफरत करता है, इसी तरीके से जब वो देखेगा तो दोजख के अंदर जो है लोग तरह तरह की जो है मुश्किल मुश्किलों में है, मुसीबत में है, तो वो देख कर बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर जो है यारब 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 यारब, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार। अल्लाह ताला लाई बाली लही, अल्लाह ताला उसकी तरफ परवाह नहीं करेगा, उसको देखेगा नहीं। फिर बोलेगा यारब यारब यारब, अल्लाह पूछेगा मालक है अपना आदम, आदम के बेटे तुझे क्या हुआ? अल्लाह तरन कर दे, क्या कर दे, तरन कर दे, जरा आप फेर दीजिए, ये देखने मुझे जो नहीं हो रहा है। आदम के बेटे माँ अगदरक है अपना आदम, आदम के बेटे तू कितना तो वादा खिलाफ करता है, अभी बोला दोजख से निकाल दो, दोजख से निकाल दिया, अब बोलते इधर फिरा दो। अल्लाह बस यही आखिरी है, यही आखिरी है, इसके बाद नहीं भाई नहीं, तू नहीं मानेगा, बस अल्लाह यही आखिरी है, सच सच पक्का है पक्का। अल्लाह तआला फिरा देना उसको, फिरने के बाद में खड़ा हो जाएगा, बहुत खुश रहेगा, थोड़े दिन खड़े रहेगा, माशा अल्लाह हो यकूब, जितना अल्लाह चाहेगा वो जो है उतने दिन वो खड़ा रहेगा। उतने दिन खड़ने के बाद में दूर देखेगा, पेट्रोल बैंक के पास में झाड़ है, अच्छा बेहतरीन दरख्त है, क्या है बेहतरीन दरख्त है, छाँव है, उसके नीचे जो है क्या जा रहा है, पानी भी जा रहा है। वहाँ गए तो थोड़ा पानी भी ठंडा ठंडा पानी भी, ऊपर से दरख्त भी अच्छा रहेगा। लेकिन अल्लाह से मैं बोल दिया, क्या बोल दिया, अल्लाह मैं नहीं पूछूंगा ऐसा होकर, अब क्या करना है, इसे दबकर खड़ा रहेगा। फिर बोलेगा कब तक खड़ा रहेगा, तमिल में बोलेंगे अड़ची पाकना, यारब यारब यारब, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार। अल्लाह जो है देखेगा नहीं उसको। फिर बहुत दिनों के बाद मालक के अपना आदम, आदम के बेटे तुझे क्या हुआ? या अल्लाह समझ रहे ना क्या रहे वो, या अल्लाह वो सामने झाड़ दिख रहा है, बहुत हरा भरा झाड़ है, पानी भी जा रहा है, उसके नीचे अल्लाह मुझे कर दो, या अल्लाह अपना आदम ना अगदरक, अपने आदम के बेटे तू कितना वादा खिलाफ करता है, अभी बोला वो बोला अब फिर ये बोल रहा है, या अल्लाह बस यही आखिरी, अल्लाह थोड़ा पानी, अल्लाह सब जो सब लोग जो है कितने आराम से थोड़ा पानी आकर अल्लाह मैं वहां पी लूंगा, जरा साये के अंदर मैं रह जाऊंगा, यही इसके बाद कुछ पूछे क्या, बिल्कुल नहीं पक्का, 50 रुपए के बैंड पेपर में हाथ में लिख कर ले जाता हूँ, या अल्लाह कि जो है मैं क्या नहीं करूंगा, इसके बाद जो है वहां से कुछ नहीं पूछूंगा, बिल्कुल सच्चा, हाँ बिल्कुल सच्चा, झूठ नहीं बोल रहा, नहीं झूठ है, बस ये अल्लाह बस यही है अल्लाह, वहां चला गया तो मेरे काम खत्म है अल्लाह। वो वहां चला जाएगा, जब वहां चला जाएगा तो वहां रहेगा माशा अल्लाह, वहां से देखेगा, और एक तिर्मिजी शरीफ बुखारी मुस्लिम शरीफ के रिवायत, 3 दरख्त नजर आएंगे उसको, वहां से एक और दरख्त नजर आएगा, आहा परवा नहीं ना, ये घर बना लिया, ये घर बराबर नहीं, अगर इतनी बड़ा घर होना, रत्ती सामने कार पार्किंग सब रहना, रत्ती जो है झाड़ा गिड़ा रहना, वो पूरा करेक्ट है ना, वहाँ वहाँ चले गए तो बहुत अच्छा रहेगा ना, क्या करना। फिर मैं अल्लाह ने पूछना नहीं, अल्लाह ने पूछा तो पहले तो वाखा कर लिया, अल्लाह अब कब तक के अल्लाह ने पूछता रहूंगा बोलकर फिर चुप रहेगा। फिर वो देखेगा अल्लाह भी उसको ऐसी ही जगह जाकर खड़ा करेगा,
कि वहां देखते ही उसको दिल क्या हो जाएगा, है? हाँ, दिल ललचाएगा उसको. हाँ, எப்படியாவது போனா பரவாயில்ல. ஆனா எப்படி அல்லாட்ட சொல்றது, மூணு தடவை நான் இந்த மாதிரி வந்து ஏமாத்திட்டேன் அல்லாஹ் தாலாக்கு, தீன் தடவை மிஷ அல்லாஹ்க்கு வாதா கர கர ஏ ஹோ கயா, அப் கியா கர்னா ஹை சபர் கர, ஐசே பரேஷான் ரஹேகா, ஃபிர் இத்னே நே கியா கரேகா. தமிழ் மே ஹராப் மிசால் போலே, வந்தா மலே போனா மயிரு போலே, खींच कर देखना है, आ गया तो पहाड़ आ गया, गया तो बाल चल रहा, जान ले ऐसा को, फिर क्या कहेगा, यार यार यार, अल्लाह तला अब सो नहीं देखेगा, फिर बोलेगा यार यार यार, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार. अल्लाह पूछेंगे, माना क्या बना आदम, आदम के बेटे तेरे क्या है, या अल्लाह वो दरख्त के नीचे चला जाता है अल्लाह सब भाई, कितना तुझे वादा करता है तू, कितना झूठ बोलता है, कितना ये करता है, या अल्लाह सिर्फ ये आखिरी है अल्लाह, बस उसके नीचे पहुंचा दे, फिर उसके नीचे चला जाएगा. उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर तीसरा दरख्त नजर आएगा, वो तीसरा दरख्त ऐसा होगा कि उसके सामने से जन्नत का दरवाजा नजर आएगा. वो तीसरे दरख्त के सामने खड़ा हो जाएगा, खड़ा होकर यूं देखेगा, अरे हमारा आज ना जाल खेना रहे, अरे उन्हें जाल खेना रहे, अरे इन्हें भी जाता रहे, ये मैं भी जाती, हम अब पूछने भी नहीं अल्लाह ने, क्योंकि तो छह दफा जो है क्या कर, छह पांच दफा जो है वादा ये करता जाए, अब आकर पूछे, फिर देखेगा, अरे हाज साहब जाल खेना, अरे टैंकर डन वाले उन्हें चले हमारे माल हमें सर, यहाँ देखते भी नहीं रहे, क्या नहीं करते हैं, देखते भी नहीं रहा, जाल खाना, ये आकर वो देखता रहेगा, वो देखता रहेगा, देखता रहेगा, बहुत परेशान रहेगा. इस दरमियान में जो है हुजूर अब्दुल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आएंगे, सिफारिश करेंगे, सिफारिश कर कर बहुत से लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमा, सुलहा, शादी जो है शुहदा, उफास, ये सब जो है निकाल कर लेकर चले जाएंगे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे, या रसूलल्लाह, या अल्लाह, अब जो है कोई आदमी दोजख में बाकी नहीं रहा है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो, सब लोग निकल गए. अल्लाह कहेंगे नहीं, अभी मौजूद है, अभी क्या है, मौजूद है. अल्लाह मैं जाकर निकलता हूं, नहीं रब्बुल आलमीन मैं निकालूंगा उन लोगों को. फयक्बिज़ु कब्ज़तन, अल्लाह जल जलालुहु अम्मना वालो अपनी एक मुट्ठी में कुछ लोगों को लेंगे, कुछ लोगों ने एक बड़ी जमात, अल्लाह का हाथ है वो, इसका हाथ है, अल्लाह का हाथ है, उसमें एक बड़ी जमात को अल्लाह ताला लेंगे. लेने के बाद में जन्नत के सामने जो है एक नहर जारी रहेगी, और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, उस नहर के अंदर उसको उन सबको डाल देंगे. वो सब डालते ही क्या हो जाएगा, हर एक आदमी उसके अंदर बिल्कुल काला कलोटा जल कर जो है राख हो गया होगा, काला कोलसे की तरह होगा, उसके अंदर से हर एक आदमी उठ उठ कर निकल कर आएगा. फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुमने देखा होगा कि जब सैलाब का पानी चला जाता है, उसके बाद में जो उसकी मिट्टी होती है, मिट्टी से जो है फौरन छोटे छोटे पौधे एक ही दिन में, दो ही दिन के अंदर निकल जाते हैं, इसी तरीके से वो लोग जो है दो उसके अंदर से निकलेंगे. किसके अंदर से निकलेंगे, जहन्नम की आग, जहन्नम से निकलेंगे. जहन्नम से जो निकलेंगे, कहा जाएगा हा उलाई उतका उल्लाही मिनन्नार, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आजाद किया. सब लोगों के जो है गले के अंदर, जिस तरीके से बड़े ऑफिस वगैरह के अंदर जाने वाले अपने गले के अंदर जो है कांट डालते हैं, इस तरीके से इनके गलों के अंदर आएगा. अल्लाह कहेगा जाओ, चले जाओ, सब जो जन्नत में चले जाओ. अब वो आदमी जो रहेगा, वो आदमी अंदर जाएगा, अल्लाह के पास आएगा, या अल्लाह पत्ते को पत्ते, दस को दस छोटे रूम दिया लेते, बस या अल्लाह चलो छोटी जगह मुझे दे दे, या अल्लाह मैं जो है अंदर चले जाता. अल्लाह क्या बोलेगा, तू जा देख बा, जगह रही तो अल्हम्दुलिल्लाह, नई जगह रही तो मैं क्या कर सकता, नहीं जगह रही तो देख ले, ऐसा बोलेगा. वो क्या करेगा, अल्लाह की इतनी बड़ी जन्नत क्या रहेगा बोलकर खुशी खुशी अंदर जाएगा. वहां जाकर देखेगा, जाकर देखो तो बोर्ड लिखा हुआ है. कौन बोर्ड लिखा हुआ है, अरे हमारे हाजी साहब, उनका नाम, अरे वो फुलाने वाले, उनका नाम, सब घरों पर जो है क्या लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है. वो देख देख कर एक चक्कर काटेगा, एक चक्कर काटेगा, जगह नहीं, फुल जगह ही नहीं,
अब वो बोलेगा मेरे जैसा बदनसीब दुनिया के अंदर अल्लाह किसे भी पैदा नहीं कराएगा। अल्लाह जन्नत में जाओ बोले तो जन्नत में जाकर भी जगह नहीं ना, अल्लाह ये क्या परेशानी है ये। फिर आएगा अल्लाह जन्नत फुल है, अल्लाह जन्नत में जगह नहीं, नहीं अभी दफा देख रहा हूँ। फिर भी क्या करना, थोड़े देर तो भी ऐसी मजा करे तो फायदा नहीं ना। तो फिर वो जाएगा, फिर जाकर तलाश करेगा, जाकर तलाश करेगा तो फिर जगह नहीं मिलेगी। जब जगह नहीं मिलेगी अल्लाह के पास आएगा, या अल्लाह जगह नहीं है। फिर अल्लाह पूछेगा अच्छा दुनिया को, दुनिया के बादशाह को जानता है किसी बादशाह को? हाँ या रसूलल्लाह, या अल्लाह मैं जानता हूँ अल्लाह सऊदी अरब का बादशाह जो बहुत बड़ा बादशाह था अल्लाह, उसके पास इतने हजार एकड़, इतने हजार मील का जो है पूरा मुल्क था या अल्लाह। उस बादशाह की तरह है ना, वैसा नहीं, दुनिया को देखा है। हाँ अल्लाह पूरा दुनिया को देखा, ऑस्ट्रेलिया मालूम, अमेरिका मालूम, इंडोनेशिया मालूम, मलेशिया मालूम, सिंगापुर मालूम, हिंदुस्तान मालूम, पाकिस्तान मालूम, तुर्कमेनिस्तान मालूम, सब स्थान मुझे मालूम है, सब मुझे मालूम। जितनी दुनिया है उतनी बड़ी जन्नत मैंने तुझको दे दी जा। वो बोलेगा या अल्लाह दस को दस एक रूम नहीं रहना, तू इतनी बड़ी जन्नत बोलता है क्या अल्लाह, तुझा मजाक करता ना यार, मैं पहले परेशान हूँ, मैं पहले ही क्या हूँ परेशान हूँ, आप अतस्ताजी हुई, आप मेरे साथ मजाक करते हैं। कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करता, मैं कादिर हूँ, मैं जितना चाहूंगा जैसा चाहूंगा मैं तुमको दे सकता हूँ। जा दुनिया जितनी बड़ी है उससे एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, तीन गुना नहीं, चार गुना नहीं, पांच गुना नहीं, दस गुना बराबर मैंने तुझको जन्नत दे दी, जा चला जा। ऐसा बोलेगा अब अल्लाह जल्ल जलालहु वअमना वलयग़ज़िबु रब्बु ग़ज़बन, अल्लाह को गुस्सा आ जाएगा, अल्लाह को क्या जाएगा गुस्सा आ जाएगा, मेरे मानने वाले दोजख में नहीं रहेंगे, अल्लाह फौरन सब मुसलमानों को उठाकर जन्नत से दोजख से निकाल देगा। रुबमा बसा औकात यवद्दू चाहेंगे, अल्लज़ीना कफरू जिन्होंने कुफर किया, लौ कानू मुस्लिमीन खाह आह हम भी अगर मुसलमान होते तो किसी न किसी तरह हम लोग भी जो है क्या कर जाते निकल जाते, लेकिन जो है वो खालिदीना फी नारी जहन्नम हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह जल्ल जलालहु अमनवल जब ये आखिरी जन्नत में जाएगा तो जन्नत में जाते ही जो है लोग कहेंगे वो कौन सा वो आदमी जो है कबीले जुहैना का होगा, वो कबीला था अरब में, उस कबीले का आदमी सबसे आखिर में आएगा। सब लोग कहेंगे इंद जुहैना अल खबरुल यकीनो, जुहैना का जो आदमी है उसके पास यकीनी खबर होगी, उससे हम पूछेंगे क्या कभी कोई आदमी दोज़ख में मुसलमान मौजूद है या नहीं। वो पूछेंगे कि अल्लाह पूछेंगे भाई अभी कोई मुसलमान मौजूद है? नहीं नहीं बस आखिरी मैं टिकट था मैं भी आ गया, कोई जो है वहां क्या नहीं है, हिंदू जो है सब लोग हिंदू हैं, कोई मुसलमान अब जो है क्या नहीं है दोज़ख में नहीं है। फिर खालिदीन फीना रिजहना, फिर जो है जुमे के दिन अल्लाह का दीदार होगा इंशाल्लाह, फिर कभी अल्लाह का हम लोग दीदार करेंगे इंशाल्लाह।